वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और Z5 ऐप डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि रणवीर और प्राची एक दूसरे के नजदीक एक बार फिर से आते हुए दिखाएंगे, और उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहां पर पल्लवी, रिया और आलिया ने मिलकर एक प्लान बनाया था, वो फ्लॉप होते हुए नजर आएगा। रणवीर और प्राची को दूर करने के बजाय वो एक दूसरे को नजदीक लाते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ साथ अब यहां पर प्राची के मुंह से उसकी प्रेगनेंसी के राज से जुड़ा हुआ एक शब्द निकलने वाला है, जिसे सुनकर काफी ज्यादा लोग चौंक जाएंगे, और आने वाले एपिसोड में काफी तगड़े भी ट्विस्ट आने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। बात करें आने वाले एपिसोड की, तो आने वाले एपिसोड में आलिया, रिया और पल्लवी ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जहां पर उसको नॉर्मल पार्टी को रिसेप्शन पार्टी बना दी जाएगी, वो भी यहां पर रिया और रणवीर की, जिसके बाद में प्राची को थोड़ा बहुत यहां पर एकदम से महसूस तो होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्राची इस बात को संभाल लेगी। पल्लवी यहाँ पर प्राची की बेइज्जती करने की कोशिश करेगी। पल्लवी की यहाँ पर पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देते हुए प्राची नजर आएगी, जिसके बाद में अब यहाँ पर एक गेम खेला जाने वाला है जिसके अंदर सभी हस्बैंड्स के चेहरे पर पट्टी बांधी जाएगी, और उसके बाद में वाइफ को ढूंढने के लिए बोला जाएगा कि आखिर में अपनी वाइफ को पहचाने। लेकिन यहाँ पर रणवीर प्राची को पहचानेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप सबको एक और बेहतरीन चीज देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर पूरी तरह से प्लान उल्टा पड़ते हुए नजर आएगा आलिया, रिया और पल्लवी का। आखिर में यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी हस्बैंड और वाइफ के साथ में, लेकिन अब यहां पर रणवीर और प्राची की डांस परफॉर्मेंस होगी, जिसके बाद में काफी ज्यादा यहां पर लोग खुश होते नजर आएंगे, और इसी बीच में प्राची से यहां पर बात निकल जाएगी खुद की प्रेगनेंसी से जुड़ी। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।